हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड ब्रेड। ये एक्चुअल में कस्टर्ड ब्रेड है नाम इसका, लेकिन ये इसे शाही टुकड़ा भी कहते हैं। और शाही टुकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मावा वाला, और ये कस्टर्ड के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हाफ पाउंड ब्रेड ली हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट है, ये पिस्ता और बादाम जिसे बारीक काट ली हूँ मैं। यहाँ पर चीनी इस्तेमाल होगा, घी इस्तेमाल होगा, कस्टर्ड, सैफ्रॉन और इलायची पाउडर ये सब इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके साइड का कटिंग कर लेती हूँ मैं। पतले पतले कटिंग करें, तो इसे चारों साइड से एजेस को काट लें। ब्रेड सॉफ्ट होगा, साइड का दाग नहीं आएगा। अगर ये बड़े साइज का ब्रेड होता तो एक भी सेट ऐसे कट करते हाफ ट्रायंगल शेप में, लेकिन ये छोटे साइज में है इसलिए एक एक पीस यहाँ पर यूज करूँगी। छोटे साइज का ब्रेड है इसलिए आपको एक एक स्लाइसेस यूज करना है ब्रेड का। अगर ये बड़े साइज का ब्रेड होता तो हम लोग इसे हाफ डिवाइड करके ट्रायंगल शेप में भी यूज कर सकते थे, बट आप इसे ऐसे ही यूज करें। और कट करने से क्या होगा, इसका साइज अच्छा लगेगा और आपको कट करने में ईजी होगा। पैन में घी ले लें, घी को आप अंदाज से यूज करें, इसलिए डीप फ्राई करना है। आप फ्राई कर लें, दूसरे साइड से पलट के इसे अच्छा से फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लें, गोल्डन फ्राई कर लें अच्छे से। तरह से गोल्डन फ्राई करके इसे निकाल दें क्लिक करके। सारे फ्राई कर लें। एक कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। चाशनी बनाना ज़रूरी है, डायरेक्ट कस्टर्ड में गीला हो जाता है, सही नहीं बन पाता है, इसलिए चाशनी ज़रूर बनाया। बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्राई हुआ है, इस तरह से फ्राई कर लें। एक कप और आधा कप और शुगर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर डेढ़ कप शुगर इस्तेमाल हुआ है, एक कप पानी और डेढ़ कप चीनी है। अब इसका चाशनी बनेगा। चाशनी बनाना है तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सैफ्रॉन दे देते हैं, छोटे चम्मच से एक चम्मच, मतलब एकदम छोटा चम्मच है। ये इलायची पाउडर देना है। कलर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी इस्तेमाल कर सकते। तो अच्छे से थोड़ा सा पका लें। बटर एक चम्मच, एक टीस्पून दे दें। और ये जो है आपका सिरप ऐसा बनाना है जैसे गुलाब जामुन का बनता है, उतनी ही थिकनेस होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करें, बस हो चुके ये। अब इसे बंद कर दें। अब इसमें ब्रेड को डीप करना है, एक एक दो दो पीस करके डीप करके निकालें। और अगर आप सिरप में नहीं डालेंगे और डायरेक्ट कस्टर्ड डालेंगे तो ये ब्रेड टूट टूट जाएगा, इसलिए सिरप बना के डालना बहुत ज़रूरी है। सिरप में ब्रेड टूटता नहीं है। बस आधा मिनट रख के इसे निकाल लें। ऑयल तो नहीं है, आप चाहे तो ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए सिरप में डाल के भी टूट रहे हैं, अगर सिरप नहीं डालेंगे तो कितना टूटेगा। ये बहुत ही अच्छा बना है, आप इसे डायरेक्ट ऐसे बनाकर भी मावा डालकर शाही टुकड़ा खा सकते हैं। तो शाही टुकड़ा बन जाएगा। हाँ, कस्टर्ड डालेंगे तो कस्टर्ड वाला शाही टुकड़ा। ये और यूनिक तरीका है, और ये भी अच्छा लगता है खाने में, ठंडा ठंडा इसे फ्रिज में रख के खा, ठंडा करके यूज करना है। तो यहाँ पर कस्टर्ड हमारा ये 4 टीस्पून है, तो यहाँ पर 4 टीस्पून कस्टर्ड में इस्तेमाल करिए, वेनिला कस्टर्ड है ये। पहले से ठंडे दूध में घोल लें, घोलने के बाद तब गर्म दूध में शामिल करें। इसमें धीरे धीरे शामिल कर दें। इसे थोड़ा चला के ठीक कर लें, और शुगर बिल्कुल कम देना है, 2 टीस्पून देना है, क्योंकि
मैं पहले से सिरप बना चुकी हूँ, तो यहाँ पर शुगर बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 चम्मच, ताकि इसमें कस्टर्ड में भी मिठास रहे। इसे लगातार चलाते रहें। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे आटे में, और इसे स्टर करते रहें लगातार। अब ये हो चुका है गाढ़ा, इसलिए इसे बंद कर लें। और इसे अभी डाल के और इसको आप फिर फ्रिज में रख दें, और उसके बाद ठंडा ठंडा सर्व करें। ऊपर आप ऊपर से देते जाएं, इस तरह से एक लेयर यहाँ पर पड़ा। और ड्राई फ्रूट ऊपर से दे दें दूसरे लेयर के लिए। और इसमें ये शुगर सिरप नहीं पड़ता, तो इसमें जाते के साथ ये टूट जाता है कस्टर्ड में, इसलिए शुगर सिरप बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट ऊपर से दे दें, काजू काजू नहीं है, बादाम और पिस्ता। ये हमारा कस्टर्ड ब्रेड बनके तैयार है, और इसे फ्रिज में रखना है रात भर, फिर उसके बाद ठंडे ठंडे सर्व करें। इसे मैक्सिमम 4 घंटा रखें फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए। सो ये डिलीशियस सा कस्टर्ड शाही टुकड़ा बनकर रेडी हो चुका है, और आप लोग इसे इंजॉय करें। इसे फ्रिज में रख कर आप लोग खा सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, और ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत टेस्टी बना है, और इसे हमने घर पे बहुत ही क्विकली बना लिया है, कस्टर्ड शाही टुकड़ा। एंड कस्टर्ड का फ्लेवर इसमें आएगा शाही टुकड़ा का भी। तो आप लोग इसे बनाएं और अपने गेस्ट को सर्व करें, आप लोग घर में इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ रौनक रेसिपी। एंड मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, तो लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट में हमें ज़रूर बताएं आप कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दें, और मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।